अकोदिया में भैरोलाल यादव के सुपुत्र भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नवीन प्रतिष्ठान हरिओम पेट्रोल पंप के शुभारंभ अवसर पर शिक्षा मंत्री हुए शामिल, जहां पर फीता काटकर तथा गाड़ियों में पेट्रोल भरकर किया पेट्रोल पंप का उद्घाटन। जहां हमारे संवाददाता से चर्चा कर उन्होंने 1 अप्रैल से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने की बात कही। इस अवसर पर श्रृंगारपुर बालाजी धाम आश्रम रानी बड़ोत के महंत श्री श्री 1008 श्याम दास जी महाराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाहक हुकुम सिंह धनगर, भाजपा जिला अध्यक्ष अम्पा राम कराड़ा और जिला महामंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह भेस, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील देथल और पूर्व विधायक केदार सिंह मंडलोई, नगर मंडल शुजालपुर अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, गुलाना मंडल अध्यक्ष सूरज सिसोदिया, शुजालपुर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष परसराम धनगर और सहित अन्य गणमान्य नागरिक सहित आसपास के ग्रामीण बंधु उपस्थित थे। नया जो शैक्षणिक सत्र है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। केवल गए साल कोरोना के कारण से लॉकडाउन था, इसलिए शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू नहीं हुआ था, और इसलिए अब हमने तय करने जा रहे हैं कि नया शैक्षणिक सत्र समय पर प्रारंभ हो और समय पर हम विद्यार्थियों की पढ़ाई का काम शुरू कर दें और आगे जो परीक्षा है, जो पूरा टाइम टेबल वर्ष भर का, वो समय पर हम संपन्न कर दें। शिवराज जी, एक भूमाफिया का ऊपर अलग अंदाज में दिख रहे, टाइगर अंदाज में, आप क्या कहो? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल भूमाफिया ही नहीं, सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, और इतना ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर के पूरे मध्य प्रदेश को, जो यहाँ का एक प्रकार का भी व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसको आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए प्राथमिकता के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। भाई साहब, आपका विधानसभा वॉइस ऑफ फ्रेड्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।